उत्तर प्रदेश के आगरा में दिल दहला देने वाली घटना ने झकझोर कर रख दिया है। दरअसल आगरा जिले के खैरागढ़ निवासी हरीश की विशाखापट्टनम में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, जो कि नौसेना का जवान था। आपको बता दें, नौसेना के अधिकारियों ने पार्थिव शरीर को गांव भेजने से मना कर दिया, जिससे अधिकारी के सवालों के घेरे में आ गए हैं। फिलहाल हरीश की मौत की वजह अज्ञात बताई जा रही है। वहीं परिजनों ने मामले की कड़ाई से जांच की मांग की है। आगरा से संवाददाता संजय सिंह तोमर की रिपोर्ट। ऐसा था कि जैसे रेस लगाते हुए तो उसे अटैक हुआ, बाद में जब उसकी डेथ हो गई हॉस्पिटल में, उसका जैसे उन्होंने चेकअप किया तो उसे कोरोना पॉजिटिव निकला, ये बात बताई उन्होंने। तो अभी जो डॉक्टर साहब भी हैं और भी हैं, तो उन्होंने बात की है ICMR जो है उसके तहत ये ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं है डेड बॉडी लाने की यहाँ पे, तो ये लोग कह रहे हैं कि आप वहाँ चले जाओ विशाखापट्टनम, तो उसके बारे में सोच रहे हैं। कल मैंने जो है अपने मोबाइल पर भी घटना देख ली थी और आज पेपर में भी पढ़ा, सुबह खिराड़ से आया हूँ मैं, तो उसमें यही लिखा था कि इस तरह से वो दौड़ रहे थे, दौड़ में उनके चोट आ गई और चोट आने के बाद जो है उनको कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट मिली, तो जो है उसके कारण उनकी मौत हो गई है कोरोना का। अभी वैसे ही खैरागढ़ में अभी इस समय मौजूद हैं जी। यहाँ पे जो एक नेवी में एक सेलर हरीश नाम का वहाँ पे ड्यूटी के समय उसकी मृत्यु हो गई है, क्योंकि जब उसकी जांच की गई तो उसमें कोरोना पॉजिटिव भी आया है। तो नेवी अफसरों द्वारा बताया गया कि उसकी बॉडी को यहाँ गांव में हम कोरोना होने की वजह से नहीं भेज पा रहे हैं।